हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। तो फ्रेंड्स, आज दो ऐसी दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो आपकी पेट की सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करेंगे। आपकी कितनी भी तगड़ी बीमारियां हो, पेट की सारी बीमारियां जड़ से खत्म होने वाली हैं। कुछ कॉमन बीमारियां जिनसे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हो लेकिन अब नहीं रहोगे, तो वो कौन कॉमन बीमारियां कौन कौन सी है? जैसे कि पेट में गैस बनना है फ्रेंड्स, पेट में एसिडिटी बनना, जलन होना सीने में बहुत ज्यादा, और पेट का फूलना फ्रेंड्स, और खाना नहीं पचना, पेट में खाना का सड़ना, या फिर पेट में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहना, या फिर फ्रेंड्स भूख नहीं लगना। तो ऐसी कोई कंडीशन आपको है तो ऐसी दो बीमारियां जितनी भी हैं सभी को जड़ से खत्म करेंगी दो टैबलेट्स हैं। बात करते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर वन है फ्रेंड्स, वो है कोपराज कैप्सूल। कोपराज कैप्सूल है, इसके साल्ट कंपोजिशन की बात करें तो इसमें है फ्रेंड्स ओमेप्राजोल 20 mg, और इसकी कंपनी की बात करें तो इसको बनाया फ्रेंड्स टैलेंट इंडिया द्वारा, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट देती है। MRP की बात करें ज्यादा महंगा नहीं है, 2600 रुपए में 10 कैप्सूल आपको किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे आसानी से। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, तो इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स गैस बहुत ज्यादा बनना, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस हो रही है, गैस की वजह से पेट फूलना, तो ऐसी कंडीशन है बहुत ज्यादा, रामबाण औषधि है, गैस को खत्म करेगी, जलन पड़ रही सीने में उसको भी खत्म करने में काफी मदद करती है, और आपका पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है किसी कारणवश उसको भी बहुत ज्यादा राहत पहुंचाता है ये कैप्सूल। बात करें कैसे खाना है, तो इसको एक खाना है फ्रेंड्स सुबह शाम एक कैप्सूल, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा बेस्ट कैप्सूल है, इसे आप ले सकते हो, किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल भी जाता है। बात करें दूसरी टैबलेट वो कौन सी है, तो फ्रेंड्स वो है यूनी एंजाइम टैबलेट। इसका आपने नाम पहले भी सुना होगा, कई वीडियो भी बना चुका हूँ इसकी। यूनी एंजाइम टैबलेट के बारे में बात करें तो इसमें साल्ट की बात करें तो साल्ट कंपोजिशन में इसमें है फ्रेंड्स फंगल डाइस्टेस, दूसरा है पेपाइन, और तीसरा है फ्रेंड्स एक्टिवेटेड चार। तो फ्रेंड्स ये तो इसके साइड कॉम्पोजिशन हो गए। बात करते हैं इसके MRP के बारे में, तो 85 रुपए में 15 टैबलेट किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं। बात करते हैं यूज के बारे में, तो ये फ्रेंड्स यूज की जाती है खाना को पचाने के लिए। इसमें क्या है, जो इसका यूज क्या है, इसमें क्या एंजाइम होते हैं, और एंजाइम हमारी बॉडी में काम करते हैं खाना पचाने के लिए। तो इसमें फ्रेंड्स एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं, और आप खाना कितना भी ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लें, गरिष्ठ भोजन का मतलब है अगर मैदा वगैरह खा लें आप, मैदा के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं जैसे भटूरा वगैरह, समोसे वगैरह, अगर ये आप खा लेते हैं फिर भी आपको पचाने में काफी मदद करेंगे और उनको भी पचा जाएंगे फ्रेंड्स। कितना भी ज्यादा गरिष्ठ भोजन है उसको पचा देते हैं, क्योंकि एंजाइम्स होते हैं इसमें, तो खाने को पचाते हैं जिससे कि खाना अच्छे से पच जाता है और सड़ता नहीं है। जब सड़ता नहीं है तो हमारी बॉडी को लगता है फ्रेंड्स खाना, जब बॉडी में नहीं लगता तो यही रीजन होता है फ्रेंड्स खाना अच्छे से नहीं पचना, जब खाना नहीं पचता है तभी दिक्कत आती है हमारे पेट में और पूरी बॉडी में। तो इससे क्या है, खाना पचने लगता है और आपकी बॉडी एकदम हो जाती है मस्त और टाइट, और आपका पेट भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 90% बीमारियां पेट से आती है। तो इसका यूज फ्रेंड्स खाने को पचाने के लिए किया जाता है, अच्छे से खाना पचता है और भूख अच्छे से लगती है इसे खाने के बाद, और फ्रेंड्स अच्छे से खाना पच जाता है। तो फ्रेंड्स ये इसका यूजेस है। अब बात करते हैं डोसेज फॉर्म के बारे में, तो एक टैबलेट आपको खानी होती है, दिन में एक ही बार लेनी है, आफ्टर मील खाना खाने के बाद किसी टाइम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों टैबलेट का रिव्यू था, बहुत ही ज्यादा बेस्ट टैबलेट्स हैं, मतलब एक कैप्सूल है और एक मतलब टैबलेट है, यूनी एंजाइम टैबलेट और कोपराज कैप्सूल है, दोनों ही बहुत ज्यादा बेस्ट साल्ट कंपोजिशन है, बहुत ही ज्यादा रिजल्ट वाली चीज है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देते हैं दोनों ही। तो फ्रेंड्स छोटा सा रिव्यू, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।